सो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो। आप देख सकते हो मैं स्क्रीन पे कहीं पर भी थ्री फिंगर ऐसे प्रेस करता हूँ, हमारे फ़ोन में स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाता है। सो गाइज, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने वाली सेटिंग्स को कैसे आप ऑन कर सकते हो, चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आइए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, उसके बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। सो यहां पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगी, आप देख सकते हो नीचे, है ना। सो यहां पर आप एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में यहां पर आपको जेस्चर शॉर्टकट्स का ऑप्शन दिखेगा, आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्लाइड थ्री फिंगर्स डाउन एंड स्क्रीनशॉट क्लिक होने के लिए, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आपके में ऐसे ये ऑफ रहेगा, ये आपके में बंद होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थ्री फिंगर से आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं होता होगा। आपको यहाँ पर आना है, आपको सिंपली ऐसे इसको ऑन कर लेना है, राइट। आप जैसे ही ऑन करेंगे एंड थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट होने लगेगा, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर वॉल्यूम डाउन पावर बटन ये भी ऑन होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर पावर एंड वॉल्यूम बटन से स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आएंगे, स्लाइड थ्री फिंगर डाउन को ऑन करेंगे, फिर आप बैक आएंगे और अब आप देख सकते हो मैं स्क्रीन पे थ्री फिंगर पे प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। कहीं पर भी स्क्रीन पे थ्री फिंगर प्रेस करूँगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग को ऑन कर सकते हो एंड थ्री फिंगर से अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, एंड गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।